नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। कपूर में कई एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, साथ ही इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण दर्द दूर करने में भी मददगार है। इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं शरीर की कई परेशानियों को दूर करने के लिए आप कपूर का लेप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दाद खाद खुजली किसी को भी बहुत परेशान करती है, ऐसे में आप कपूर को पीस कर और इसे लौंग या पेपरमिंट के तेल में मिलाकर लेप बना लें। इस लेप को आप रोजाना रात में सोते वक्त दाद पर लगाएं। आप पाएंगे कि दाद से जल्दी छुटकारा मिल गया। बता दें कि दाद फंगल इन्फेक्शन है और फैलने लगता है, इसलिए लगातार इस लेप को लगाते ही रहें। वहीं एक्ने दो तरह के होते हैं, एक हार्मोनल और दूसरा ऑयली स्किन या गंदगी के कारण। इन दोनों ही स्थितियों में एक्ने तेजी से बढ़ते हैं, ऐसे में आपको सबसे पहले तो एक्ने के बैक्टीरिया को कंट्रोल करना होगा और दूसरा इसे फैलने से रोकना होगा। इसके लिए आप कपूर और नींबू से लेप बनाकर इसका इस्तेमाल करें। ये लेप एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और एंटी बैक्टीरियल होगा। ये मुहासे या फुंसी को कम करने में मदद करेगा और इसे फैलने से भी रोकेगा। वहीं अगर आपका हाथ जल जाए तो कपूर का लेप लगाना बहुत फायदेमंद है। जले हुए घावों को ठीक करने के लिए आप कपूर से लेप या क्रीम तैयार कर लें। इसके लिए आपको कपूर को पीसकर उसमें शहद मिलाना होगा, फिर इसे अपने घाव पर लगा लें। ये आपकी जलन को कम करेगा और फिर घाव को भी ठीक कर देगा। फटी एड़ियों के लिए आप कपूर को पीसकर नारियल तेल में मिला लें और इसे अपनी फटी एड़ियों पर रोजाना रात को लगाकर सो जाएं। जल्दी इससे छुटकारा मिलेगा। वहीं कपूर को त्वचा पर लगाने से दर्द और सूजन से राहत मिलती है। इसके लिए आप कपूर, हल्दी और नीलगिरी के तेल को मिलाकर लेप बना लें और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेप को लगाने से आपको दर्द से राहत मिलेगा। इससे आप जोड़ों, कंधों और पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। जब आप इस लेप को लगाएं तो आपको झुंझुनी, गर्मी या ठंडक का एहसास हो सकता है, जिससे आपको दर्द से राहत मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।